मीट दीज स्टूडेंट्स। आज इनके साथ इंटरेक्ट करके, इनके टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके मुझे कुछ वैल्यूएबल लेसंस मिले। बट बिफोर आई गो टू द इंटरेक्शंस, हियर मी आउट। प्रिविलेज कितना आयरोनिक वर्ड है। पॉजिटिव कॉनोटेशन है इस वर्ड का, येट पीपल हु हैव इट डू नॉट वॉन्ट टू एक्नॉलेज इट। 12 फेल मूवी में एक लाइन थी, आई माइट नॉट बी बेटर देन IITians, येट आई एम मोर डिजर्विंग। तब लगा था यार IIT IIMs में तो ऐसा कोई प्रिविलेज चलता नहीं है, इट्स ऑल हार्ड वर्क। बट इज इट दो? IIT IIMs द स्मार्टेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, इज इट द रियालिटी? प्रॉब्ली द स्मार्टेस्ट अमंग दोज हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वी वे फार टू प्रिविलेज टू बी रनिंग अ रेस विद अ वेरी सिलेक्टिव क्राउड। आज आया हूँ मैं एलियट स्कूल इन कोलकाता, जहाँ पर पहले तो एजुकेशन का वैल्यू समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी एंड सोशल मीडिया में काफ़ी डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को समझते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट है या फिर आपकी लाइफ में इतने प्रिविलेजेस नहीं है दैट यू कैन बी सक्सेसफुल, देन ये वीडियो आपके लिए। इन माई फैमिली द गर्ल्स हैव नॉट गॉट द चांस टू बिकम एनीथिंग, आई एम द फर्स्ट वन to become something and want to like have those rights which they didn't have. Aapke family mein aapke parents support karte hain education? Yeah, they support me a lot. ये है एलियट स्कूल, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मोस्टली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन अराउंड देयर एरिया। द स्कूल वाज स्टार्टेड बाय इम्तियाज रहमान, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे लास्ट ईयर, एंड नाउ द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट मिनिमल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय हिज फैमिली। ऑनेस्टली इन बच्चों से बात करके एक मेच्योरिटी दिखती है, देयर पेरेंट्स फुल्ली सपोर्ट देयर एजुकेशन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड एंड हाउ एजुकेशन इज चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव बिफोर यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस वीडियो। The students from in the school mainly are from manual laborers. They come from families whose main occupation is manual laborers. Some of them are guards. Their parents work as guards or watchmen, or they run autos and rickshaws, etc. And there are a few who are from well-to-do families. There are a few who do, I would say, not well-to-do, but relatively well-to-do. But the large portion, around 40 to 50% of the school students are from an NGO, Karishma Foundation. इन बच्चों से बात करके पता चलता है, time का luxury नहीं है इनके पास. They want to start earning for their family as soon as possible. College जाना चाहते हैं, but starting to earn as well is a priority. यहाँ कोई है जो school के साथ साथ work भी कर रहे हैं, कुछ अर्न करने के लिए साइड में वर्क भी कर रहे हैं, ऐसा कोई है? करते थे, छोड़ दिया। करते थे? अच्छा, क्या करते थे? वो मतलब एक कंपनी था, उसी में मतलब। अच्छा, आप वो स्कूल के साथ साथ करते थे? आफ्टर स्कूल। फॉर देम मोस्ट ऑफ देम द आंसर इज जॉब। नो आईडिया व्हाट, no idea what job, you just see a white collar job, you're hoping to get one of those white collar job because that is the highest achievement that you want. From where you're coming from, that's the only way, that's the only avenue to change your lifestyle. The passion for education, which we feel is something that should be in everyone, it's a privilege. You don't have that. You can't have that until and unless you know what it is. For some people, the idea is earn money as fast as you can because you don't have the luxury to do a 3 years three years bachelor's, 2 years master's, and a 4 year PhD. You don't have that time. You don't have that amount of time to invest in your education. You want the fastest resolution. If after class 12 you can get a job, after class 12 you can get a job. In fact, the room that we're sitting in right now, it belongs to class 12. It's empty because these students work while they're studying. They can't afford to do this. So a lot of our 11 and 12 students, they come once or twice a week, or if we do pressurize them, they come for more days in a week, but they can't afford to come every day because someone has to work. एंड ये तो फिर भी वो बच्चे हैं दैट स्टिल हैव अ वेरी सेफ स्पेस टू स्टडी, कोई है सपोर्ट करने के लिए। ऐसे काफ़ी सारे इन्वायरमेंट है बट आई एम नॉट एबल टू इवन रीच आउट टू देम, थिंक अबाउट देम। एंड काफ़ी बार आपने सुना होगा कि 2 साल दो अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपस्किल करने के लिए, बट रियली टू ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम, स्पेशली वेन फूड ऑन योर टेबल इज एट स्टेक। द थिंग इज दीज किड्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वेदर इट्स इन अकेडमिक्स और इन फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी दे हैव शोन देयर पोटेंशियल।
our school recently won the runners up position in the Hockey Bengal League this year in a tournament where you had Mohun Bagan and East Bengal. But the students didn't have the kit to begin with. They just had to borrow kits from anyone around in their neighborhood. They had the potential. That's why they won the runners up position. But the point is, what went behind the scene? They didn't have the kit to go ahead with, and the school didn't have the facility to do that. I did some exercises on empathy, critical thinking with these students, and I could understand the depth, the potential, and the creativity these kids have at a very small age. मान लो ये table है, ठीक है? आ table कोई living thing है, ठीक है? ये जिंदा है। तो मान लो ये table अगर आपसे complain करेगा कि यार मेरे life में बहुत problem है, वो क्या-क्या complain कर सकते हैं? इंसान हमें मार के चले जाते हैं, ऐसा बोलते होंगे। इस पे कोई कोई बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको इसको भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम लोग के ऊपर कोई सो जाएंगे तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होते हैं, राइट? एग्जैक्टली, चलेगा। इसके ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, हमको उसका यूज नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ वहाँ उसको फेंक देंगे। मान लो कंट्री में आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? एक जल्दी जल्दी पहले ये पुअर लोग को सभी खाना और वो सब पैसा दे दूंगा और स्कूल फ्री कर दूंगा। हम वुमेन सेफ्टी करेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए पुअर मैन लोग को मनी और क्लोथ्स दूंगा। लेकिन पुअर मैन को इतना मनी है नहीं ना हमारे पास देने के लिए सबको। मैम जो पुअर लोग है उसके मैं मदद करूंगा और स्कूल फ्री कर। कैसे मदद करोगे? सर सबसे पहले जो इतना सारा सामान इतना महंगा होते जा रहे हैं उसको तो सबसे पहले कम करना पड़ेगा, और पेट्रोल इतने ज्यादा महंगे, कुछ तो कर नहीं रहे। अच्छा, तो इन सब चीजों को ठीक करोगे? यस। महंगाई कम करोगे? यस। नाइस। और स्कूल? स्कूल भी है सर, फ्री तो फ्री कोई नहीं कर सकता, बट स्कूल रहेगा, बट उसका वो प्राइस कम हो जाएगा। Yes. आपको फीस कम करने है, महंगाई कम करना है और वुमेन सेफ्टी में वर्क करना है। यस, और सबको मतलब इक्वली फील करना चाहिए। कोई कोई होता है मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, इक्वल फील करने से सबको अच्छा रहता है। वेरी गुड। कैसे करना है, कैसे कर पाओगे पता है क्या? अभी तक तो नहीं पता। एंड अगर आपके पेरेंट्स क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं बट आप सीरियस नहीं हो एजुकेशन लेके, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट, अ प्रिविलेज दैट गॉड गेव यू। दे यूज्ड टू कम टू द ऑफिस एंड जस्ट से थिंग्स लाइक वी डोंट हैव मनी टू फीड आवरसेल्व्स, व्हाट डू यू थिंक वी आर गोना पे द फीस, व्हाई डू यू थिंक वी आर गोना पे द फीस, इफ यू कांट लेट देम स्टडी लेट देम गो। बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट आज भी वो गिफ्ट है जो इन बच्चों की लाइफ चेंज कर सकती है, एंड नॉट ओनली फॉर दीज किड्स बट फॉर देयर फैमिलीज एंड फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशंस टू कम एज वेल। आई वांट टू ओपन अ फ्री हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपल एंड आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड ऑन मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज किड्स इज व्हाइल दे माइट नॉट हैव द बेस्ट रिसोर्सेज येट दे वैल्यू एजुकेशन, दे वैल्यू व्हाट दे हैव एंड वांट टू चेंज लाइव्स फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिली। आपको क्या लगता है पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हम बड़ों के जॉब कर सके और अच्छी डिग्री ले सके। पढ़ने से कहीं भी कभी भी कोई भी जॉब दे सकता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई जॉब नहीं देगा। इस वजह से स्टडी इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को जॉब मिल सकते हैं, हम लोग इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे हमारे हाथ में डिग्री नहीं आएगा, फिर हम लोग कुछ बन नहीं पाएंगे, ना ही हम लोग को अच्छा जॉब मिल पाएगा। मेरा मानना है कि ये एजुकेशन हम लोग को लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है, जो हम लोग को जॉब दे सकता है, इससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं और हम लोग का परिवार को और अच्छा से जीवन दे सकते हैं। एंड बस ये चीज़ जानना कि आप इंटरनेट से सब कुछ सीख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रिवलेज। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना एंड एक्सेसिबल होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। जस्ट अगर आप जानते हो कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है एंड हाउ टू रीच देयर, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट प्रिवलेज एंड आप बाकी लोगों से ऑलरेडी बहुत आगे हो। बट टू मेक श्योर दीज किड्स गेट द अपॉर्चुनिटीज दे डिजर्व, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय द स्कूल एंड ऑल्सो बाय वेरियस एंटिटीज हु कम टुगेदर टू कोलैबोरेट एंड मेक इट हैपन। द स्कूल राइट नाउ इज ट्राइंग टू ब्रांच आउट एंड मेक मोर collaborations and connections in order to facilitate a better exposure to the students. In lieu of that, we have collaborated with Teach for India.
to provide to give them a better education. So right now we're getting 5 fellows from Teach for India from class 1 to class 5. We just conducted a foundation day this year. We took Booker Hall, an auditorium, which was the first time they performed in an auditorium. Their parents came to see that. They were quite happy, the parents as well as the students, seeing them on stage, because otherwise it used to be in school. We used to empty a classroom because we didn't have the funds to take them away or something. So this time the school was like, we have to do whatever we can. There we got some donation from this one organization, SEMO. School is reaching out to different NGOs and different invested people in the community. So like Meghdoot Roy Chaudhary, if you must have heard of him. So we collaborated with him where he came. So he runs this organization called Make Calcutta Relevant Again. They came to school, they interacted with the student, the full day of fun, dance and thing. They fed the students as well. They invited us to their Durga Puja event where the students went and performed, gave some poems, speeches, etc. So this gives a lot of exposure to the student. And you can also help in this initiative in making a brighter future for these kids. Just if you were privileged enough to get proper guidance in your career, you can support the school kids too with your time. In terms of what can the audience do, there's a lot actually. From voluntary basis of helping out, conducting workshops. So let's say if you have a person who is even a working professional, if they can conduct workshops in the school, of giving them one day, even 2 hours of speaking with the student, or 1 hour of workshop of talking to them, what can they do with their, whatever their profession is, to give them an insight as to what it takes to go ahead with that. Or if they, let's say someone who has cracked a JEE exam or the NEET exam, to give these students an opportunity or give them to an insight, tips and tricks of the trade basically, of how they can do it. If there's any scholarship, if there's any sort of funds that they know of, NGOs that they know of which works with it, then they can donate this to the school, or donate directly to the students, work with the students directly, sponsor a child. Or the idea being that we are trying to branch them out, not just from education but to a broader spectrum. So if they have fields, if anyone knows of fields or places where the students can go and play, programs that they can participate in, do a visit of their working facility, campus facility, etc. That would be a great opportunity for the students. So, देखो, इस वीडियो का purpose simple था. आप अगर एक student हो and education को for granted लेते हो, then उसका value समझाना. It's a gift not everyone gets. आप privileges acknowledge करो instead of counting the challenges that you have. अगर आप seriously कुछ achieve करने का try कर रहे हो in education, give a genuine effort and put your heart into it. एंड अगर आपने ये स्टेज क्रॉस कर लिया है, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक एंड मेक थिंग्स हैपन दैट विल फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन हु आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ. एंड डू नॉट हेल्प विद सिंपथी बट विद एम्पथी. बहुत डिफरेंस है दोनों वर्ड में. आप वीकेंड्स में जाके अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हो इन बच्चों के साथ. आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा सकते हो दैट विल हेल्प देम. आप डोनेशन कर सकते हो या फिर एक किड का एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो, विच इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. Probably less than what you would spend on Swiggy or Zomato in a year. And if not this, you can just share the value of education with these children and their parents especially. Education still holds the power to change one's life.